भवं भवानी सहितं ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम रमण बिहारी के Come on.
श्री रमण बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री दुर्गा माता की, श्यावर रामचंद्र की, शारदा माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पुराण पुरुषोत्तम भगवान की, सर्वसंत हरि भक्तन की, आज के आनंद की, जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते हर हर। नारायण 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 नारायण। ये परम पुनीत अवसर है मैं परम आनंद कंद भगवान रमण बिहारी आशुतोष नील लोहित भगवान सदाशिव परमादरणीय परम पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान समुपस्थित विप्रवृंद प्रभु प्रेमियों एवं भक्ति स्वरूपा माताओं आप सभी के चरणों में नमन करते हुए बड़ा हर्ष का विषय है कि इस परम पुनीत परम पवित्र मास में और परम पवित्र भगवान शिव के प्रतिमूर्ति शिव पुराण की कथा श्रवण करने का जो अवसर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है ये बड़ा सौभाग्य से प्राप्त होता है। ये हमारे किसी पुण्य का फल नहीं है। ये भगवत कृपा गुरु कृपा का फल है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सुलभ। जो आदिदेव महादेव है जो अवधारधान है जो सदाशिव उस भगवान आशुतोष का जो अपने लिए तो कुछ भी नहीं
लेकिन संसार के जीवों को सब कुछ दे। इतनी भोले भोले बाबा इतनी भोले हैं कि आप कुछ भी मांगो तो बिना सोचे बिना समझे बिना विचार ये भी नहीं देखते कि इसका परिणाम क्या हो। किसी ने थोड़ी सी तपस्या की प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके जो मांगा बगैर विचारे सब कुछ दे। हम लोगों ने भागवत में कथा श्रवण किए होंगे भस्मासुर का, उसका एक नाम वृकासुर भी, उसने भगवान शिव की तपस्या। आप एक चीज देखिए, असुर जितने भी होते हैं भगवान शिव की तपस्या करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी जल्दी प्रसन्न होती है आपके पास कुछ है या नहीं है? जल चढ़ा दो उसी से प्रसन्न। पुष्प है चाहे नहीं है पत्ता डाल दो उसी से प्रसन्न। फल फ्रूट हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं। मिठाई है इससे भी कोई लेना देना नहीं। फूल पत्ती से भांग धतूरी से प्रसन्न होने वाला ऐसे भगवान शिव वृकासुर ने उनकी तपस्या की। उसकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मब्रूहि वरदान मांगो। उसने कहा महाराज अगर आप वरदान कुछ देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो कि जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो जल करके राख। भगवान भोलेनाथ ने कहा तथास्तु दिया।
अब बृकासुर ने सोचा इन्होंने मुझे वरदान दे दिए, लेकिन वरदान दिए इसका सत्यता कैसे पता चलेगा। चलो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब प्रैक्टिकल क्या कि बाबा के सिर पे ही हाथ रखने लगे। अब भगवान शिव ने ही वरदान दिया और भगवान शिव के ऊपर ही हाथ रखने लगाओ। अब देख करके बाबा तो वहां से भाग। आगे आगे भोलेनाथ भागते जा रहे, पीछे पीछे भृकासुर दौड़ता हुआ जा रहा। अब क्या करें? तो साथ में भगवती पार्वती उन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना। तो भागवत में तो प्रसंग आता है कि जब भगवती पार्वती ने प्रार्थना की तो भगवान नारायण छोटे से ब्राह्मण का वेश बना करके वहां प्रकट हो गए। कहने लगे कहां जा रहा है दौड़ता हुआ, कहां जा रहा हूं? भोलेनाथ ने वरदान दिए हैं तो जरा सोचा कि प्रैक्टिकल करके देख लो इनके सिर पे हाथ रख करके। भगवान नारायण ने कहा कि भैया इनकी बात पे विश्वास कर रहा था? अरे ये तो भांग धतूरा खाए रहते हैं, नशे में मस्त रहते हैं, इनको क्या पता जो कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तुमको जो वरदान दिए वो क्या सही वरदान दिए हैं तुम्हें पता है? तो उन्होंने कहा ये कैसे पता चलेगा? भगवान नारायण ने कहा देख एक काम कर, अपने सिर के ऊपर हाथ ले जा। ब्रिग ने कहा बाजीबा अपने सिर के हाथ ऊपर हाथ ले जाओ और जल करके राख हो जाऊं मैं? अरे इस वरदान के लिए तो कितना तपस्या मैंने की है और तब जाकर के ये वरदान मुझे प्राप्त हुआ है। भगवान नारायण ने कहा देख ऐसा करना, जब सेक लगने लगे ना सिर के ऊपर हाथ रखना, थोड़ा सा सेक लगने लगे तो हाथ हटा लेना। बृकासुर ने कहा ये तो ठीक, और उसने सिर के ऊपर ऐसे हाथ ले गया और जैसे ही यहां हाथ रखा सिर के ऊपर तो भगवान नारायण ने उसके हाथ को दबा दिया और वहीं पे दूसरी अन्य शास्त्र में कथा आती है कि जिस समय भगवान भोलेनाथ के ऊपर वरदान जब प्राप्त हो गया तो जब उनके सिर पे हाथ रखने लगा तो साथ में भगवान भोलेनाथ की पार्वती, तो पार्वती अंबा को देख करके उनके रूप के उनके सौंदर्य को देख करके बृकासुर मोहित हो गया। अब
देख करके रूप को मोहित हो गया तो सोचने लगा कि ये मुझे कैसे प्राप्त हो जाए। क्योंकि भगवती तो वैसे सौंदर्य है, पर अंबा की तो सौंदर्य का क्या वर्णन कर। तो सोचने लगा कि कैसे मुझे प्राप्त हो। तो मैंने भी विचार किया, इन्होंने मुझे वरदान दिए, और भगवान भोलेनाथ वरदान तो दे दिए, अगर पार्वती को फिर भगवान भोलेनाथ के रहते तो मैं ले नहीं जा सकता। तो सोचा जो कि उनको जला करके इन्हीं के वरदान से और इनको जला करके राख कर दूंगा और पार्वती को ले जाऊंगा। तो जब वो भगवान भोलेनाथ के सिर पे हाथ रखने लगे तो पार्वती अम्मा ने कही कि वृक तू क्या कर रहा है। विकास होने का क्या कर रहा हूं, भोलेनाथ को जो वरदान दिए हैं इस वरदान से इनको जला करके राख कर दूंगा और तुमको ले जाऊंगा, तेरे साथ विवाह करूंगा। पार्वती माता कहने लगी कि इतनी मेहनत करने की आवश्यकता क्या है। विकास होने का तो फिर तू चल मेरे साथ। पार्वती माता कहने लगी देखो वो तो सब बात ठीक, मैं भी सोच रही कि पता नहीं मेरे पिता ने कौन से इसके अंदर गुण देख करके मेरा विवाह किया, न रहने की ठिकाना है, न खाने की ठिकाना है, न सोने के ठिकाना है। भांग धतूरा खा करके पड़े रहते हैं। मैं तो स्वयं इनसे दुखी हूं। तो विकास होने का जब दुखी है तो चल फिर। उनका एक तो बात तुम्हारा कहना ठीक है, सब अवगुण है, भगवान भोलेनाथ के अंदर, लेकिन एक ऐसा गुण है जिस गुण के देख करके और मैं परवश इनसे बंध गई और मैं तो चाह रही हूं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ मैं विवाह कर लूं लेकिन उसके अंदर वो गुण हो। तो विकासोर ने कहा क्या गुण है उनके अंदर। पार्वती अम्मा कहने लगी कि उनके अंदर एक गुण है जो जिसको देख करके उस कला को देख करके और मैं परवश बंध गई हूं और वो कला है तांडव नृत्य। अगर कोई व्यक्ति के अंदर ये कला हो तो मैं आज भगवान भोलेनाथ को छोड़ करके और उस व्यक्ति के साथ विवाह कर आज तलाक दे दूं।
मृगासुर ने कहा, तांडव नृत्य तो मेरे को आता नहीं, पार्वती माँ गई तो इसमें सोचने की क्या बात, तुमको नहीं आती तो मुझे तो आती है, मैं तुमको बताती हूँ, तुम वैसे वैसे करो जैसे जैसे मैं करती। अब भगवती पार्वती अम्बा ने तांडव नृत्य करते करते नृत्य की भंगिमा से अपने सिर पर हाथ जैसे ले गई तो भृकासुर को ये होश नहीं रहा, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात था कि इस नृत्य को दिखा करके और सीख करके और इस नृत्य को दिखा करके पार्वती को अपना कर लूंगा और पार्वती के साथ मैं विवाह करूंगा। तो नृत्य करते करते और भृकासुर पार्वती अम्बा जब सिर पे हाथ लेगी तो वो भी अपने सिर पे हाथ ले गया और उसी समय जल करके राम। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ ना आगे देखते ना पीछे देखते ना सोचते ना विचारते, जो मांगा जिसने उसको वही चीज़ दे दी। एक कथा आती है कि ऐसे ही एक बार भगवती पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कही कि बाबा देखो ये जो लक्ष्मी है, ब्रह्मानी है, ये जितने देवता है ब्रह्मा विष्णु ये सब अपने अपने पत्नियों के रहने के लिए कैसे कैसे सुंदर सुंदर महल बनाए, और इतने दिन हो गए और हमारे पास क्या है, आप शमशान में रहते मुझे भी शमशान में रहना पड़ता, वृक्ष के नीचे रहते वृक्ष के नीचे रहना पड़ता, खुले आकाश में इतने साल विवाह के हो गए लेकिन एक महल तो दूर की बात, एक छप्पर भी नहीं रहने के। भगवान भोलेनाथ ने कहा तो बस इतनी सी बात है, लो अभी महल बनवाते। और भगवान भोलेनाथ ने स्वर्ण महल बनवाया, सोने। अब जब बन गया तो अब गृह प्रवेश होना था, अब गृह प्रवेश कराने के लिए पहले पूजन इत्यादि होगा, गणपति नवग्रह इत्यादि का पूजन होगा तभी तो गृह प्रवेश करेंगे। अब वो गृह प्रवेश कराने के लिए पूजन कराने के लिए आचार्य चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। अब वो ब्राह्मण आए कहां से, आचार्य आए कहां से, बगैर गृह प्रवेश के महल में जाए तो जाए कैसे। तो पार्वती अम्बा ने कहा कि बाबा
सुना है आपका एक भक्त है, आपका एक शिष्य है, बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, जिसका नाम रावण है। आप उसी को बुला करके अब पूजा पत्री क्यों नहीं करवा लेते? भगवान बोले नहाने का ही तो तुमने बहुत बढ़िया उपाय बताया, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। रावण को बुलाया कि भैया पूजा करवा के हम लोग को गृह प्रवेश करवा दो। उसने पूजा पत्री करवाई और पूजा पत्री करवा करके जब सब हो गया, गृह प्रवेश हो गई, तो अब पूजा के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा भी देना पड़ा। तो बाबा ने कहा भाई तो मांगो दक्षिणा में तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने रावण ने कहा कि महाराज आप दे दोगे? हाँ तो मांगो जो चाहिए वो तुम्हें मैं दे दूंगा। तो रावण जिस समय आया था पूजन करवाने के लिए तो उस महल को देख करके उसके मन में लाल जाना, और उसने कहा बाबा अगर आप कुछ देना चाहते हैं दक्षिणा में तो मुझे ये महल दक्षिणा में दे दो। बाबा ने कहा ठीक है तुम महल ले लो। पार्वती अम्मा सिर पकड़ कि जैसे तैसे कह करके तो हमने ये महल बनवाया और इस महल को भी दे दिया। तो भगवान विश्वनाथ तो ऐसे अब डरता इतने भोले कहते हैं कि भक्तों के लिए तो बड़े भोले हैं कि जो मांगे दे दो, लेकिन दुष्टों के लिए उनके हाथ में क्या है? त्रिशूल है, दुष्टों के लिए भाले, इसीलिए उनको भोले और भाले कहे जाते। देखो और किसी भगवान के नाम के आगे भोले नहीं लगता, लगता है न कृष्ण के आगे, न विष्णु भगवान के आगे, न राम जी के आगे, किसी के आगे केवल भोले। इतने भोले जो सहज है, बड़ी सहजता में प्रसन्न हो जाते हैं, केवल एक लोटा आप जल चढ़ा दो। कहते हैं जलधारा शिव प्रिय, भगवान शिव को जल का धारा बहुत प्रिय है। एक लोटा जल चढ़ा लो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, बस उसी से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते। इतने भोले
ऐसे भगवान शिव की। परम पावन कथा हम लोग श्रवण करने के लिए यहां पर संवेद जिस कथा को शौनकादि ऋषियों को जो कथा सूत जी महाराज श्रवण करा रहे, क्योंकि सूत जी पुराणों के वक्ता हर पुराण को सबसे पहले सूत जी ने श्रवण कराया। आप भागवत को भी देखें, सबसे पहले नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को श्रवण भागवत की कथा का। अरे भागवत तो छोड़ो, सत्यनारायण की भगवान की कथा भी सूत जी ने श्रवण कराई। पुराणों की रचना व्यास जी ने की है, लेकिन उस पुराण का वक्ता सूत जी महाराज। भगवान सूत शौनकादि ऋषियों ने प्रार्थना कि महाराज आप परम ज्ञान भागवत में आया है, शौनकादि ऋषियों ही कहा है, अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोट सूर्य सम प्रभ सुताख्या ही कथा सार मम कर्ण रसाय। आप परम ज्ञान, आप ज्ञान के भंडार हैं। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास कितना दुकान है, कितनी हमारी कमाई है, हमारे बैंक में कितने हैं, एफडी कितना है। ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है जिस ज्ञान के माध्यम से उस परम तत्व को प्राप्त कर रहे हैं। जिस ज्ञान के माध्यम से उस परम तत्व को जान लेना, जिस ज्ञान के माध्यम से इस संसार के आवागमन से छूट जाना, जिस ज्ञान के माध्यम से भवसागर से पार हो जाना, जिस ज्ञान के माध्यम से मां के गर्भ में आने से मुक्त हो जाना, ये ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग
संग का ज्ञान की प्राप्ति नहीं। अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो जीवन में सत्संग आवश्यक। सत्संग करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होने से क्या होता है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, पारस परस उधात सुहात। सत्संग से हम उस परम तत्व को, उस परम तत्व का हमें ज्ञान होता है और ज्ञान होने के बाद सो हम शिवो जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू। हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। तो जीवन में सत्संग आवश्यक है। एक घड़ी या दो घड़ी आधू में पुनिया संगत की जे शाद की। और इसीलिए रामायण में भी भगवान राम ने नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए सबसे पहले कहा है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। और यही बात भागवत के नवधा भक्ति में प्रहलाद जी कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम देशो श्रवण, सबसे पहला भक्त श्रवण, सुनो भगवत गुणानुवाद को निरंतर श्रवण करते रहो। और इसीलिए वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान राम को जाके करूं समुद्र समान, कथा तुम्हारे सुभग जी ही जान, ताके हृदय बसहु रघुनाथ। किसके, जिसका श्रवणेन्द्रिय भगवत गुणानुपात श्रवण करते करते कभी भरता ही नहीं। ये नहीं सत्संग में बैठे बार बार घड़ी देख रहे, अरे भैया अब तो टाइम हो गया, बाबा कब अपने मोहरा को बंद करेंगे, मैं अपने घर जाऊं। सत्संग की प्यास लगी है, कथा की प्यास लगी है, कभी भरे ही ना।
अंदर पिपाशा लगी रहे, निरंतर प्यास बनी रहे, आपका प्यास बुझे ना। क्योंकि सत्संग करते रहोगे तो इसी सत्संग के माध्यम से तुम उस परम तत्व को, शिव तत्व को तुम जान सको। शिव तत्व क्या? शिव क्या है? शिव नाम क्या है? हे श्रुति जी, आप परम ज्ञानी हैं। ज्ञान का मतलब यही है। उसके विषय में जानना, और इसीलिए शौनकादि ऋषियों ने जी यही प्रश्न किया कि महाराज, जिस कथा को श्रवण करके साधु जन काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से निवृत्त हो जाते हैं, जिनके जीवन से नष्ट हो जाता है, आप ऐसे कथा का, ऐसे पुराणों का सार वर्णन करें जिससे हमारे अंतःकरण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तीनों के प्रादुर्भाव प्रकट। इसका मतलब है हमारे अंदर तीनों चीज नहीं है, है। जैसे आप अग्नि जलाओ, अग्नि जलते 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 जब रात हो जाता है ना, तो राख से ढकने के बाद अग्नि दिखाई नहीं देगी। जब उस राख को आप हटा दोगे ऊपर से, तो अग्नि अपने आप प्रकट हो जाएगा। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य हमारे अंदर है, लेकिन हमें ज्ञान जब कोई हमें उसको बताएगा, समझाएगा, तो राख हट जाएगा और अग्नि प्रकट हो जाएगी। भक्ति और ज्ञान किस प्रकार से हमारे अंतःकरण में प्रकट हो, क्योंकि इस कल काल में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो, आसुरी स्वभाव का मतलब क्या है?
असुर कौन है? ये नहीं कि पहले अन्य युगों में सतयुग द्वापर त्रेता में असुर थे, कलयुग में नहीं है, कलयुग में भी असुर है। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, ये कौन कह रहे हैं? जिनकी आप कथा श्रवण करने के लिए तत्पर है वही कह रहे भगवती पार्वती से। मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधु नशन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी। कौन कह रहे हैं? भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती से। हे भगवती, जो असुर कौन है? जो माता पिता को मानते। जो भगवान को नहीं मानता। जो साधु संतों को नहीं मानते। जो सदग्रंथ को नहीं मानते। जो अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते। जिनकी यह आचरण भवान, ते जानो निश्चर सब प्राण। हे देवी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान विश्वनाथ भोलेनाथ कह रहे भगवती परम्बा आदि शक्ति पार्वती से। वही असुर है। अब क्या है? असुरों की स्वभाव वाला स्वभाव हमारा हो गया।